लाइव प्रोग्राम देखने जा रहे हैं हरि नाम संकीर्तन का, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कल के प्रोग्राम के बारे में बहुत ही अच्छी फीडबैक आई है, जो लंदन के विभिन्न मंदिर हैं स्लो से और अन्य मंदिरों से, सभी ने इस बात की बड़ी ही सराहना की है कि कोविड के कारण भक्त तो मंदिर आ नहीं सकते, स्पेशली हमारे बुजुर्ग जो हैं, तो आपने जो उनके लिए घर बैठे जो कीर्तन का प्रोग्राम किया है उसकी बड़ी ही अप्रिशिएशन हुई है। तो मैं MATV का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये प्रयास किया, और इसके साथ साथ ही देवी निधि जी, देवी नेहा जी, जिनके मधुर स्वर से हम अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने पहले भी राम मंदिर में भी प्रोग्राम किया, स्लो मंदिर में भी प्रोग्राम किया और लेडी मार्केट रोड मंदिर में भी प्रोग्राम किया। सभी को एकदम वो ही जो उनकी स्मृति है वो याद आई है। तो मैं एक दो बातें जहाँ के जो हमारे लंदन के निवासी हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले सभी दर्शकों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई आज के दिन पर। अभी मुझे गुल्लू जी ने बताया कि उन्होंने कैसे वर्चुअल भाई दूज मनाई है। उसके साथ साथ दूसरी सूचना ये है कि राम मंदिर, जैसे कि सरकार ने हमें गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार आज से राम मंदिर अगली सूचना तक कम्प्लीटली बंद रहेगा। तो भक्तों से अनुरोध है कि वो मंदिर आने का प्रयास ना करें, फिर निराशा होती है, इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं तो उनको फिर मंदिर बंद मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं वो आप भी ध्यान रखें, और सभी अपने मित्रों को भी बता दें कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर राम मंदिर जो है आज से लेकर अगली सूचना तक बंद रहेगा। मैं बड़ा ही प्रसन्नता का अवसर है, दो पंक्तियां गाऊंगा, उसके बाद नेहा जी और निधि जी अपना लाइव प्रोग्राम करेंगी। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में, भाई दूज के उपलक्ष्य में और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में इससे ज़्यादा सरल श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती। जय श्री राम। और अब आगे का जो कार्यक्रम है वो भारत से सीधा प्रसारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। Thank you.
Thank you.
गोपियां दही बेचने जा रही हैं, हमारे कन्हैया को मालूम पड़ जाता है, अपने ग्वालवाल सहित गोपियों को घेरते हैं और क्या मांग करते हैं गोपियों से देखिए आप। आओ आओ रे सखा, घेरो घेरो रे सखा, आओ आओ रे सखा, घेरो घेरो रे सखा, दही लेके ग्वालिन जाए रही, दही लेके ग्वालिन जाए रही, दही लेके ग्वालिन जाए रही।
महापार शिरोमणि श्री गिलहराज जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। गिलहराज जी मंदिर के दिव्य प्रांगण में बैठे हुए आप सभी हरि भक्त और श्री राम मंदिर में बैठे हुए सभी हरि भक्त और MeTV चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण इस सत्संग का श्रवण पान कर रहे हैं, उन सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम करुण परम पतित श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल के अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री गिलहराज जी मंदिर के दिव्य प्रांगण में बाबा श्री गिलहराज जी के चरण सन्निधि में बैठकर अहो भाग्य देखी हमारा। हाँ, एक तो सत्संग मिल रहा है और दूसरा गिलहराज जी महाराज के चरण सन्निधि पर बैठकर अहो भाग्य अहो भाग्य। कौन सराहना करे अब, कौन सराहना करे आज हमारे सौभाग्य का। हाँ, कौन वर्णन करेगा। और हमारे जो हनुमान जी महाराज है ना, भगवान की कथा के बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रेमी हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विपत्ति का समय तो तब होता है जब जीव भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता। कहाँ हनुमंत, कहाँ हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोए कहाँ हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोए जब तब सुमिरन भजन न हो, कहाँ हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोए कहाँ हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोए सब तब सुमिरन भजन न हो, कहाँ हनुमंत, कहाँ हनुमंत, कहाँ हनुमंत। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति का समय तो भाई वो होता है जिस क्षण हम हमारे राघवेंद्र सरकार का गुणगान नहीं करते, जिस क्षण हम हमारे बांके बिहारी लाल का स्मरण नहीं करते। और वास्तव में विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः नारायण विस्मृति और संपन्न नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति और गोविंद की याद सदैव बनाए रखना सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए प्रयास कीजिए
कि हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल को ना भूलें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि खाते पीते सोते बैठते उठते चलते फिरते नाचते कूदते हर स्थिति में हर परिस्थिति में हमें श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल का स्मरण हो, तब जाकर कल्याण संभव है। एक बार एक गोपी यमुना किनारे ध्यान कर रही थी, साधना कर रही थी, हाँ आँख बंद करके कमर सीधी करके ध्यान कर रही थी। तभी नारद जी वहाँ आई। नारद जी ने कहा, अरे गोपी कौन को ध्यान कर रही है, हैं तुम्हें तो ठाकुर जी प्राप्त है गए, फिर अब किस चीज को पाने के लिए तू ध्यान कर रही है, योग कर रही है। तो गोपी बोली, नारद जी पाने के लिए नहीं ध्यान कर रही हूँ, मैं ये ध्यान कर रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए ये ठाकुर हमारे ध्यान से चला जाए तो कुछ अपने घर के काम काज कर लें। बालक 4-5 दिन आते भूखे बैठे, रसोई ना जली है, चूल्हा ना जलो है, मैं जा मारे ध्यान कर रही हूँ कि जो 4-5 दिन ते मेरे बालक भूखे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए जो कन्हैया चलो जाए तो अपने बालकन ने भोजन कराए दो। हाँ, नारद जी के नेत्र में अश्रु आ गए, गोपियो धन्य हो, तभी ये बांके बिहारी लाल तुम्हारे आगे पीछे नाचता है। देवियो तुम साधारण नहीं हो, कोई तो ध्यान करता है कि बांके बिहारी ध्यान में आ जाए, और देखो इन गोपियों को, ये साधना कर रही है कि बांके बिहारी ध्यान से चला जाए। गोपी बड़ा बड़ा उत्कृष्ट विषय है अपने आप में। गोपी विषय को समझने के लिए आपको स्वयं गोपी बनना पड़ेगा। नारद जी भी चकित रह जाते थे कभी कभी, गोपियों को समझ नहीं पाते थे। नारद जैसा योगी, नारद जैसा संत जब गोपियों को कभी कभी समझ नहीं पाता था, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो ये क्षमता से बाहर है, सामर्थ्य से बाहर है। अरे वो गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण को छछिया बर छाछ पे नाच नचावे ताहे अहिर की छोहरिया, ताहे अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे नाच नचावे। वो तत्व, वो श्री कृष्ण तत्व जो सनकादिक ब्रह्मादिक को भी समझ नहीं आता। सनकादिक ब्रह्मादिक भी कभी कभी श्री कृष्ण नाम की महिमा को गाने के लिए, श्री कृष्ण नाम की महिमा को जानने में, कहने में, सुनने में, समझने में असमर्थ बताते हैं। उस श्री कृष्ण को इन गोपियों ने छछियावर छाछ फे नाच नचावे, किसके किसके कारण हुआ ये सब? हाँ, आपको क्या लगता है किसके कारण ये सब? प्रेम के कारण भाई, प्रेम के कारण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी। ठाकुर पदार्थों का भूखा नहीं है, ठाकुर को पदार्थ प्रिय नहीं है, ठाकुर को तो आपका भाव प्रिय है। विदुर जी ने कोई न्योता नहीं भिजवाया था, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं भेजी थी, बस मन में भाव लाए थे कि ठाकुर जी मेरे घर भी आए और कुछ पाए। हाँ, केवल मात्र भाव लाने से ठाकुर जी व्यक्ति के भाव को सार्थक कर देते हैं। भगवान कहते हैं आप भाव लेकर आओ, हम प्रकट रूप से होकर प्रकट होकर पाएंगे, प्रकट होकर पाएंगे, आवश्यकता है भाव लेकर आओ। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज होनी चाहिए, पहली तो सुंदर भाव और दूसरी
प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हमेशा एक विश्वास रखिए कि ठाकुर आएंगे आएंगे आएंगे। मैया सबरी हर रोज वो मार्ग बुहारती थी जिस मार्ग से लगता था कि श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। राम जी ने कोई तारीख नहीं दी थी मैया सबरी को कि सबरी हम उस तारीख को आएंगे, फलाने दिन आएंगे। हाँ, कोई तारीख नहीं दी थी, लेकिन मैया सबरी हर रोज ऐसे बैठ जाती थी, ऐसे लगता था आज राम आएंगे, आज श्री राम आएंगे, आज आएंगे। और जब श्री राम नहीं आते थे तो निराश नहीं होती थी, बल्कि अगले दिन की तैयारी में लग जाती थी कि कल तो पक्का आएंगे। और ऐसा करते करते श्री राम आ गए। हाँ, मैया सबरी को विश्वास था कि मेरे राम आएंगे। मैया सबरी को विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, मेरे लक्ष्मण आएंगे। मैया सबरी गाती भी थी, राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे। मैया सबरी गाती थी, मैया सबरी का बड़ा प्यारा भजन है, दो मिनट हम गुनगुनाएंगे। हाँ, राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, राम जी लक्ष्मण आएंगे, राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे। हो एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, श्री राम हरि बोल। थोड़ा ताली से सबरी कह रही है, बिलनी के पैर पर शौक से खाएंगे, बिलनी के प्रभु में जाकर शौक से खाएंगे, बिलनी के पैर पर शौक से खाएंगे, बिलनी के पैर पर शौक से खाएंगे। मैया सबरी को क्या विश्वास था, सबरी के पैर बड़े शौक से खाएंगे,
राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे। और मेरे राम लक्ष्मण गए थे, आओ राम लक्ष्मण गए थे। प्रभु ने नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया था मैया सबरी को और कहा था, नवम हुए कहो जिनके होई नारे पुरुष चराचर सोई। नौ भक्ति में से एक भी भक्ति यदि किसी भी स्त्री पुरुष के जीवन में है तो सबरी सुनो, सोई अतिशय प्रिया, सोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कह रहे हैं सबरी, वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है, वो व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। इसलिए भगवान कभी भक्तों की बात को हल्का नहीं पढ़ने देते कभी भी। बहुत से भक्तों ने नादानी में ना जाने क्या से क्या करा लिया प्रभु से। आप कभी भगवान को, आपको पता है भगवान नाई तक बने, नाई तक, नाई का वेश बनाकर भगवान, एक बार भगवान के एक भक्त थे सेन नाई जी, राजा के यहाँ सेवा देते थे। सेन नाई जी बड़े वैष्णव थे, परम भक्त थे, साधु सेवा, साधु संतों की सेवा में बड़ी रुचि रखते थे। तो एक बार कुछ संत घर पर आ गए तो संतों की सेवा में व्यस्त हो गए और राजा की सेवा करना भूल गए। अब ठाकुर जी को चिंता हो गई कि यदि आज ये राजा की सेवा के लिए नहीं जाएगा तो राजा इसे दंडित करेगा। देखो तो सही हमारे बांके बिहारी की करुणा को। हमारे बांके बिहारी लाल नाई का वेश बनाकर राजा के यहाँ पहुंच गए और राजा की सेवा करना शुरू किया। अब बांके बिहारी का स्पर्श तो बड़ा अलौकिक है ना। अब जब बांके बिहारी लाल सेन नाई का रूप बनाकर राजा की सेवा कर रहे हैं तो राजा को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। अब प्रभु का स्पर्श मिल जाए तो फिर क्या कहना ना। राजा बड़ा गदगद हुआ, राजा बोला, सेन नाई आज क्या जादू है तेरे हाथों में, आज तो अलग ही आनंद है। भगवान बोल रहे, हाँ हाँ राजा जी, आज आज आप लो सेवा लो, आज हमारी हम अच्छे से मसाज करेंगे, आपको अच्छे से सेवा करेंगे। भगवान ने सारी सेवा कर दी। अच्छा, राजा के शरीर में कोड रोग भी था, प्रभु ने ऐसी सेवा की कि राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजा 18 वर्ष के हो गए। राजा ने कहा, सेन नाई आज तूने भाई क्या कर दिया, आज हम बहुत जवान महसूस कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले राजा जी आज तो सब कृपा हो रही है, सब कृपा हो रही है। अब भगवान अपना काम करके चले गए। अब सेन नाई जो संतों की सेवा में लगे हुए थे, अचानक से होश आया, अरे आज तो राजा की सेवा में जाना था, राजा दंडित करेंगे मुझे। दौड़े दौड़े हड़बड़ाते हुए गए और राजा से बोले, भगवान क्षमा कर दीजिए, लेट हो गया। राजा बोले, सेन नाई तुम अभी तो आए थे। सेन नाई को लगा शायद राजा जी खिंचाई कर रहे हैं तो चुप खड़े हो गए। सेन नाई तुम अभी अभी आए थे, अभी अभी गए थे और अभी अभी फिर से आ गए। सेन नाई बोला, राजा जी काहे को मजाक कर रहे हैं आप, मैं तो संतों की सेवा में था, मैं तो संतों की सेवा में व्यस्त था। राजा बोले, नहीं आज तुम अभी अभी आए थे, अभी अभी देखो आज तुमने ऐसा ऐसा मसाज किया है सेन नाई कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं 18 वर्ष का हो गया। तुरंत सेन नाई समझ गए कि ये कोई और नहीं, एक स्वयं बांके बिहारी आया है, स्वयं बांके बिहारी आया। और जब सेन नाई ने राजा को ऐसा वृतांत सुनाया तो राजा के नेत्रों में अश्रु आ गए कि सेन नाई मैं आज धन्य महसूस भी कर रहा हूँ और ग्लानी भी हो रही है। धन्य तो इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि आज देख तेरी वजह से मुझे ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया, और ग्लानी इस बात की हो रही है कि पहली बार सरकार का स्पर्श प्राप्त हुआ और सरकार से खुद की ही सेवा करा ली। अरे मुझे तो सेवा करनी चाहिए थी। आज दोनों बड़ा आनंद कर रहे हैं। देखिए ये होती है प्रभु कृपा।
अपने भक्तों की बात को रखने के लिए, अपने भक्तों की लाज रखने के लिए ठाकुर जी कुछ भी करने को तैयार होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। तो बड़ा दयालु है, बड़ा करुण है, बड़ा कृपा का सागर है। इसलिए ज्यादा भटकने की आवश्यकता है नहीं आपको और किसी को भी। सीधा सीधा बांके बिहारी लाल के चरणों को पकड़ लो और कह दो कि आपसे एक ही विनती है, जिएंगे तो आपके साथ जिएंगे और मरेंगे तो आपके साथ जिएंगे। नाउ डिसीजन इज ऑल योर्स। अब सारा निर्णय आपका है, जैसे रखना है वैसे रखिए। हाँ, पूरा अधिकार बनता है हमारा ठाकुर जी पर। हाँ, जीवन उन्होंने दिया है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। देखिए, भगवान की जीव शक्ति है हम, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उनमें से दूसरी शक्ति हम है, जिसे बोलते हैं तटस्था शक्ति व जीव शक्ति। तो हम सभी भगवान की जीव शक्ति हैं, हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख रासी ईश्वर अंश। हम सब भगवान के अंश हैं। तो आज सत्संग हरि चर्चा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। देखिए, सत्संग की महिमा को शब्दों में कह पाना अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत दुष्कर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग दूलन ताहे सकल मिली जो सुख लव सतसंग। मानस का वर्णन कर रहे हैं आप कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी वो सब सुख मिलकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे हुए सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो सुख क्षण भर के सत्संग से प्राप्त होता है। आप विचार कीजिए, कितनी बड़ी महिमा है। स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख एक बराबर और क्षण भर का सत्संग एक बराबर। लेकिन सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। सत्संग प्रयास का विषय नहीं है, सत्संग कृपा का विषय है। जब ठाकुर की कृपा होती है, जब बांके बिहारी लाल हमसे प्रसन्न होते हैं, तब कहीं जाकर जीव को सत्संग मिलता है। और मानसकार तो ये कह रहे हैं कि भैया केवल कृपा से भी नहीं। क्या कह रहे मानसकार? अति हरि कृपा जाहे पर होइ, अति हरि कृपा जाहे पर हो। हरि कृपा जाहे पर होई, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पावे मार्ग सोई, पावे मार्ग सोई, अति हरि कृपा। बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह सकते थे कि हरि कृपा जाहे पर हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा अति हरि कृपा। जब श्री ठाकुर रमण बिहारी लाल की अति कृपा हो जाएगी तब आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज जितने भी लोग इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, चाहे यहाँ बैठकर श्रवण कर रहे हैं, चाहे टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है। हाँ,
एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा जय बिहारी जी की। तो सत्संग और किसी संत का संग, ये दो चीजें जिस किसी व्यक्ति के जीवन में है ना, तो परमात्मा बड़ा नजदीक है उसके। प्रयास कीजिए कि किसी किसी संत का सानिध्य आपको मिल जाए और सत्संग का आश्रय आपको मिल जाए। दो चीजें जीवन में आ जाए ना, तो बस आनंद ही आनंद है। फिर किसी और चीज की दरकार नहीं है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, बहुत अच्छी कथा है, आप सभी ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु सत्संग की महिमा मुझे सुनाइए। सत्संग की महिमा, हमारे प्रभु मुस्कुराए और बोले, नारद जी यहाँ से आप आगे जाओ, इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वो सत्संग की महिमा बहुत अच्छे से जानता है, आपको समझाएगा सुनाएगा भी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न मन से आगे चले तो देखा इमली के पेड़ पर गिरगिट बैठा है। अब तो नारद जी गिरगिट से बात करने लगे, बोले भैया हमें सत्संग की महिमा सुनाओ। ये सवाल सुनते ही गिरगिट नीचे गिर गया और क्षण भर में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई हमने कोई गलत प्रश्न कर लिया क्या, ये प्रश्न सुनते इसने प्राणों का त्याग कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, सारा वृतांत सुनाया। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी इस बार ना आप उस नगर के धनवान व्यक्ति के घर जाना, उसके घर में पिंजरे में बंद एक तोता है, वो सत्संग की महिमा बहुत अच्छे से जानता है, वो आपको सुनाएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है भैया चलते। नारद जी दौड़े दौड़े गए और तोते से प्रश्न किया कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा सुनाइए। जैसे ये सवाल तोते ने सुना, थोड़ी देर में आंख बंद किया और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी बड़े चकित कि ये क्या बात है जिससे हम सत्संग की महिमा सुन रहे हैं, दोनों हमारे सामने मर गए। नारद जी को कुछ समझ नहीं आया। दौड़े दौड़े नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और प्रणाम करके बोले, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सत्संग की महिमा पूछने पर कोई मरता है क्या, क्या यही महिमा है कि सत्संग का नाम लेते ही कोई मर जाए, यही सत्संग नाम की महिमा है। भगवान फिर मुस्कुराने लगे और बोले, नारद जी इस प्रश्न का भी उत्तर आपको शीघ्र मिल जाएगा, आप विचलित ना होइए। नारद जी ने कहा, भगवान अब क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा, नारद जी इस बार आप नगर के राजा के घर जाइए, राजा के महल जाइए, वहां राजा के नवजात शिशु ने जन्म लिया है, उस नवजात बालक से प्रश्न करना, वो सत्संग की महिमा आपको बताएगा। नारद जी बड़े बड़े कंफ्यूज हो रहा है कि प्रभु पता नहीं कभी तोते के पास भेजते हैं, कभी गिरगिट के पास भेजते हैं, कभी छोटे से बालक के पास भेजते हैं। नारद जी को मन में भय लगा कि अभी तो सत्संग नाम की महिमा पूछने पर गिरगिट मर रहा था, पक्षी मर रहे थे, अब कहीं ये नवजात शिशु मर गया तो राजा हमें मार डालेगा। तो भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया, कहा नारद जी आप निश्चिंत होकर जाइए। आज नारद जी महाराज महल में पधारे, राजा ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया, पधारिए महाराज, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। नारद जी अंदर से बड़े घबरा रहे हैं, बोले गलती से हम महिमा पूछने लग गए और शिशु को कुछ हो गया ना तो पता नहीं राजा क्या करेगा। लेकिन पता था कि प्रभु ने अभय दान दिया है तो निश्चिंत भी थे थोड़े बहुत। लेकिन फिर भी बड़े भारी दिल से नारद जी ने पूछा, राजन हम आपके बालक से मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, अरे अवश्य महाराज, ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो आज राजा नारद जी को लेकर बालक के पास आए, बड़े भारी दिल से नारद जी ने उस छोटे से बालक से पूछा, बेटा सत्संग की महिमा सुनाइए, सत्संग की महिमा बताइए। वो बालक हंसते हुए बोला, नारद जी ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं।
नारद जी बोले क्या मतलब बेटा, हमको समझे नहीं। वो बालक बोला महाराज मैं जानता हूँ चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, इसलिए आप अपनी महिमा के बारे में नहीं जानते प्रभु। नारद जी बोले बेटा तू कहना क्या चाहता है, स्पष्ट बता। तो उस छोटे से बालक ने कहा नारद जी आपके क्षण भर के संग से मुझे गिरगिट की योनि से मुक्ति मिली, आपके क्षण भर के संग से मुझे तोते की योनि से भी मुझे मुक्ति मिली, और सरकार केवल इतना ही नहीं आपके क्षण भर के संग से मुझे मानव तन मिला, और मानव तन के साथ साथ मुझे राजपुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप मुझसे संतों की महिमा पूछ रहे, सत्संग की महिमा पूछ रहे। आज नारद जी के नेत्र में अश्रु आकर उस बालक को हृदय से लगा लिया। छोटे से बालक ने कहा प्रभु मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए, आपके क्षण भर के सानिध्य ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया, मेरे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए, मुझे मनुष्य शरीर मिल गया। अब प्रभु एक और कृपा कर दीजिए कि मैं इस मानव तन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लूं। आज नारद जी अनंत आशीर्वाद देकर प्रभु श्री कृष्ण के पास गए, अब श्री कृष्ण को सारा वृतांत सुनाया। तो आज भगवान मुस्कुराकर बोले नारद जी अब तो पता चल गया आपको आपकी महिमा के बारे में, आप कोई हल्के फुल्के प्राणी नहीं हो, आप जिसके साथ रहोगे जिसको भी क्षण भर का सानिध्य दोगे उसका जीवन आप बदल देंगे। तो ये होता है संतों का सानिध्य का प्रभाव, संतों के संग का प्रभाव। नारद जी के क्षण भर के साथ ने गिरगिट से तोते से उसको मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया और राजपुत्र बना दिया। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि जीवन में आपको किसी सच्चे सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, कोई संत आपके जीवन में आ जाए। देखिए भगवान से मिलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वो सीधा सीधा नहीं पहुंचे, चाहे आप मीराबाई को ले लीजिए, मीराबाई जी के जीवन में 5 गुरुदेव की कृपा रही विशेष रूप से, उनके दीक्षा गुरु रैदास जी की बहुत बाद में कृपा हुई, लेकिन उससे पहले अनेक संतों की कृपा मीराबाई जी के ऊपर हुई, तब कहीं जाकर वो ठाकुर जी के नजदीक पहुंची। सबसे पहली कृपा की उनके दादाश्री जो ने बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं सुनाया करते थे। देखिए बड़ा आवश्यक है आज के इस समय में बच्चों को बचपन से ही भगवान की कथाएं सुनाएं, अपने इतिहास को बताएं, क्योंकि आजकल जो बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है वो बहुत गलत पढ़ाया जाता है, सल्तनत काल मुगल काल यही सब पढ़ाया जाता है, वास्तविक इतिहास तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। जिन मुगलों ने इस देश को लूटा उन मुगलों की तारीफ हमारे इतिहास में कूट कूट के भरी पड़ी, और वही बच्चों को पढ़ाया जाता है। अकबर बड़ा महान था, अरे महाराणा प्रताप महान थे भाई, जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया लेकिन गुलामी करना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वो महाराणा प्रताप महान थे। तो बहुत आवश्यक है कि आज के समय में हम आने वाले अपने पीढ़ियों को अपने बच्चों को इस प्रकार से सिखाएं, हम बताएं अपने एक्चुअल इतिहास के विषय में, हम बताएं मार्मिक कथाओं के बारे में। तो किसी संत किसी सदगुरु का सानिध्य जीवन में आ जाए तो बांके बिहारी बड़े आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग और संतों का संग, क्योंकि संतन के संग लाग रे, संतन के रसिक जन गाते हैं, संतन के संग लाग रे, हाँ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, क्या होगा अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हो सके तो जाग रे, हाँ जाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगला तेरे हालात रे, तेरी अच्छी बने हाँ संतन के संगला संतन के संग लाग रे, हाँ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, अष्टराग है संतों की कृपा से किस किस की बनी, जैसे तो बहुत लोगों की बनी है, लेकिन प्रमुख प्रमुख भक्तों की चर्चा हम करेंगे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी। यदि आप अपनी भी बनाना चाहते हैं तो अभी भी जाग जाइए, समय है, इसलिए जाग सके तो मनवा जाग रे, हाँ जाग रे तेरी अच्छी बने, जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग रे तेरी अच्छी बने, हाँ संतन के सगला मत जगेगी, ध्रुव जी की बन गई, सब गाएंगे साथ में हाँ, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जाग सके तो मनवा जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, हाँ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए जीवन में संतों का संग और सत्संग मिले, ऐसा आप सब प्रयास करें, क्योंकि श्री कृष्ण नाम की महिमा, श्री राधा नाम की महिमा बड़ी अनंत है, बड़ी अनंत है। कल हम चर्चा भी कर रहे थे राधा तत्व की, राधा राधा रटते ही, हाँ हम चर्चा कर रहे थे। देखिए प्रथम तो श्री कृष्ण के महिमा को गाना, कहना, समझना और समझाना यह अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े सनकादिक ब्रह्मादिक भी श्री कृष्ण नाम की महिमा को गाने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं, बड़े बड़े सनकादिक, और उसमें भी श्री राधा नाम की, श्री राधा नाम की महिमा का बखान करना अत्यंत दुर्लभ है, छिपा हुआ है। इसलिए संक्षिप्त में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि श्री कृष्ण की जो अहलादिनी शक्ति है, अहलाद का मतलब क्या होता है, आनंद, आनंद की सबसे ऊंची सीढ़ी, सबसे ऊंची सीढ़ी वो अहलाद, भगवान श्री कृष्ण की अहलादिनी शक्ति वह श्री राधा रानी है, जो जग को आनंद कृष्ण प्रदान करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण को आनंद कंद भगवान कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है,
उपनिषद कहते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है, वो रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद घन है। लेकिन वेद और पुराण श्री राधा के यश से परिपूर्ण है, इसलिए संक्षिप्त में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाया, ये है शास्त्र प्रमाण। ये शास्त्रों में प्रमाणित बात है, ये राधा शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। यदि कृष्ण सागर है तो राधा उसकी तरंग है, यदि कृष्ण पुष्प है तो श्री राधा उस पुष्प का सौंदर्य है, यदि कृष्ण पुष्प है तो श्री राधा उसकी सुगंध है, उसका सौरभ है, यदि कृष्ण अग्नि है तो श्री राधा उस अग्नि का तेज है, उस अग्नि का प्रकाश है, यदि कृष्ण आनंद है तो श्री राधा आह्लादिनी है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करता है, जो सबके मन को मोह लेता है, तभी तो उसको मनमोहन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं लगता मोहित करने में। इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था कि प्रभु आप गजब के खरीदार हो, आपसे बड़ा कोई खरीदार नहीं है। गजब के खरीदार हैं आप, हम आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और हम यूं ही बिक जाते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराने मात्र से आदमी गया। तो वो कृष्ण जो संपूर्ण जगत को आकर्षित करता है, संपूर्ण जगत को मोहित करता है, यदि संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को भी यदि कोई मोहित करता है तो वो श्री राधा है। संपूर्ण जगत को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को यदि कोई आकर्षित करता है तो वो तत्व श्री राधा है, वो तत्व श्री राधा है। अपनी लीला विलास को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण द्वैत रूप में प्रकट हो जाते हैं। हाँ, एक रूप से कृष्ण बने हैं, दूसरे रूप से राधा बने हैं। राधा रानी ही वो शक्ति है, वो तत्व है, जिसके सामने श्री बांके बिहारी दीन बनकर विराजमान है। हाँ, वो श्री कृष्ण जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते, वो श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सामने दीन बनकर विराजमान रहते हैं, तभी रसिक जन गाते हैं। रसिक जन कहते हैं, रस बरसाने वारी, बरसाने वारी। जो श्री कृष्ण किसी के सामने नहीं झुकता, वो श्री कृष्ण राधा रानी के सामने दीन बनकर बैठता है। तेरो चाकर बिहारी बरसाने वारी, 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 तेरो बरसाने वारी, तेरो चाकर बिहारी बरसाने वारी, रस बरसाने वारी बरसाने वारी, रस बरसाने वारी बरसाने वारी, तेरो चाकर बिहारी, जिसके सामने स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को कंगाल महसूस करते हैं। यदि श्री कृष्ण तिजोरी हैं
तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन श्री राधा है। ये है श्री कृष्ण और राधा का संबंध। जो लोग पूछते हैं कि राधा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, तो भैया बस आप इतना ही समझ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि श्री कृष्ण राधा तत्व को समझने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। अरे बड़े बड़े ब्रह्मादिक सनकादिक लोग नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ पाएंगे इस तत्व को। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा ही, प्रेम का महाभाव ही श्री राधा है। गोविंदानंदनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गोविंदो राधा, हाँ, गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, जो श्री कृष्ण को भी मोहित करती हैं, जो श्री कृष्ण की भी सर्वस्व हैं। देखिए, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता, कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहा, गोविंद सर्वस्व। हमारा सर्वस्व कौन है, श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण सबके सर्वस्व हैं। ऐसे सर्वस्व श्री कृष्ण की भी यदि कोई सर्वस्व है तो वो श्री राधा है। देखिए कितना प्यारा संबोधन है ना, राधे राधे, कितना प्यारा संबोधन है। एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। सबसे सरल तारक मंत्र है राधे राधे। दुखों को दूर करने वाला विघ्न नाशक नाम है राधे राधे। आपका दिल जीतने वाला नाम है राधे राधे। आपको आनंद प्रदान करने वाला नाम है राधे राधे। इसलिए एक बार भाव से प्रेम से सभी कहेंगे जय जय श्री राधे। इसलिए बड़े भाव से किशोरी से प्रार्थना करेंगे कि किशोरी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, क्योंकि आप स्वयं की इच्छा से ही अपने स्वरूप को दिखाती हैं, दर्शाती हैं, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, तो किशोरी जी आप अपनी कृपा हमारे ऊपर करें और हमारे हृदय में भी आपके चरण कमलों का प्रकाश हो, जिस प्रकाश के माध्यम से हम राधा तत्व की अनुभूति कर पाएं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए किशोरी जी। बड़ा सुंदर भाव है, सब साथ में गाएंगे, हाँ, ताली सेवा के साथ। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर बोल कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी दर्शकों का एक बार फिर श्री राम मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। बहुत ही सुंदर ढंग से हरिनाम संकीर्तन का जो ये कार्यक्रम राम मंदिर ने आयोजित किया है, देवी निधि जी और देवी नेहा जी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आप सबसे ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ये इस तरह के प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं, तो मंदिर हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए हमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसके नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी समर्थ हो,
उसके अनुसार आप इस कार्यक्रम में दान देकर सहयोग देकर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग हंसते हैं कि सबसे कठिन काम क्या होता है, सबसे कठिन काम कहते हैं कि दान मांगना होता है। पर क्योंकि ये प्रभु का कार्य है, हरिनाम संकीर्तन है, इसके लिए हमें ये स्वीकार है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो यूके में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं और दुनिया भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसके साथ साथ ही मैं एक बार फिर जो हमारे लंदन के निवासी हैं जो राम मंदिर में प्रतिदिन आते हैं, उनके लिए ये सूचना है कि कृपया अगले सूचना तक याद रखें कि राम मंदिर आज से बंद है। जब भी खुलेगा हम आपको पहले 3-4 दिन पहले सूचना फिर देंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है बार बार ताकि आप का जो प्रयास है मंदिर आप आए और बंद हो मंदिर, फिर निराशा होती है। तो आप अपने आप भी याद रखना है और अपने मित्रों को भी बताना है कि आज से लेकर अगले नोटिस तक जो मंदिर है हमारा बंद रहेगा। 2 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद जो भारत से कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद। इसके साथ ही मैं अपने जो सहयोगी ट्रस्टीगण हैं हमारे यूके शर्मा जी, अरुण ठाकुर जी, सर्वेश जी और गुल्लू जी, जय जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम फिर भारत से सीधा प्रसारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे।
जिस डांस करेंगे सब हाँ आओ चल में छुपा ले ठोकरों से बचना है बहुत अच्छी बात है ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए और ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन के दास बन जाइए बस यही उपाय है इसलिए और एक छोटी सी विनती है आपसे क्योंकि किशोरी जी हम बड़े पापी हैं ना जाने कितने पाप हमसे रोज होते होंगे हाँ हमें तो पता भी नहीं होता किशोरी जी इसलिए लाडली जी कहीं आप वैसे तो आप गुण अवगुण पर दृष्टि नहीं डालती हैं ये आपकी विशेषता है ये आपकी महानता है इसलिए किशोरी जी एक छोटी सी प्रार्थना है कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना 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 जब जब तेरा भजन करूं माया ये समय ना जब जब तेरा भजन करूं माया लाडी जी प्रभु की माया ना बड़ी दुष्कर है ये श्री कृष्ण ने ऐसी माया बनाई है बहिरंगा माया हाँ इस माया ने सभी को मोह जाल में ऐसे बांध रखा है कि इनकी माला जाप करने बैठो ना तो दिमाग चला जाता है मन चला जाता है इसलिए किशोरी जी बस प्रार्थना जब जब तेरा भजन करूँ माया ये सताए ना जब जब तेरा भजन करूँ बस लाडली सच्ची भक्ति सच्ची भक्ति का वर दीजिए सच्ची भक्ति का वर Yeah.
सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। इसलिए किशोरी जी कभी तो आओ उस बरसाने में, आओ कभी तो कृपा करो आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्याम प्यारी दया कीजिए, बोले किशोरी राधा रानी सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री रास रासेश्वरी महारानी की जय। आइए अब हम देवी निधि जी से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें आगे की मधुर चर्चा में, मधुर हरि कथा में प्रवेश कराएं, ऐसे बड़े भाव और प्रेम के साथ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बोली शिव के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस के सत्संग में हम सभी ने बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश किया। लंदन में स्थित श्री राम मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण, श्री उमेश जी, श्री अरुण जी, क्रिस गोपाल जी, गुल्लू जी और जितने भी ट्रस्टीगण हैं जो इस समय लंदन में बैठकर इस अद्वितीय हरी कथा सत्संग का रस स्वादन कर रहे हैं, साथ ही साथ स्लाव टेंपल के जितने भी ट्रस्टीगण हैं जिन्होंने 2019 में बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन अपने टेंपल में कराया था, उसके ट्रस्टीगण श्री विनोद जी, विश्व हिंदू टेंपल के जितने भी ट्रस्टीगण हैं, जोशी जी, मंगत राम जी, जिन्होंने अनेकों बार हमारे द्वारा भजन सत्संग कथा का आयोजन कराया, जो आज इस समय लंदन में बैठकर हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, और जो भी MATV चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, मैंने कहा था कि जीवन में कुछ बनो या ना बनो लेकिन भगवान के भक्त अवश्य बनो, हरि के भक्त अवश्य बनो। हरि का भजन अवश्य करो, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करने से फायदा क्या होता है, इंसान को हर चीज में प्रॉफिट चाहिए,
फायदा। मैंने कई बार अपनी व्यासपीठ से बोला भी है इस विषय में। एक बार अर्जुन ने भी भगवान से ये पूछा था कि भगवान आपका भजन करने से मिलता क्या है, आपको कुछ मिला आज तक जो लोग भजन करते हैं? मिला क्या? मिला सुख, मिला शांति मिली है ना, धन मिला सब। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु आपकी हम तीन तीन घंटे बैठकर कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद क्या होता है, क्या मिलता है? क्या कथा सुनने से हमारे सारे संकट चले जाते हैं या सारे दुख खत्म हो जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी कथा सुनने के बाद मिलती है, मुझे बताओ। क्योंकि प्रभु एक बात कभी मेरी समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति आपकी कथा सुनता है या व्यक्ति जो आपकी कथा कहता है उसको मरना पड़ता है। मरना पड़ता है ना, एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। फिर अर्जुन कहते हैं प्रभु जो व्यक्ति आपकी कथा नहीं सुनता है और जो आपकी कथा नहीं कहता है वो भी मरता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? जो आपकी कथा सुन रहा है वो भी मर जाता है और जो आपकी कथा नहीं सुनता है वो भी मरता है। तो फिर हम कथा क्यों सुने? इससे तो अच्छा है कि तीन घंटे हम कोई अपने घर का काम कर ले, थिएटर में जाके कोई पिक्चर देख ले, दोस्तों से मोबाइल पे बातें कर ले, ये अच्छा है। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है? देखी है ना बिल्ली? जब एक बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो क्या करती है? जब वह चूहे को देखती है तो इतनी स्पीड के साथ भागती है कि चूहा बच ना जाए, बस कहीं दौड़ कर जाती है, चूहे को पकड़ती है, मुंह में लेती है और मुंह में लेकर उसे मार के खा जाती है, यही करती है ना। और जब वही बिल्ली जिस बिल्ली ने अभी एक सेकंड पहले चूहे को खाया है, जब वही बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को देखती है तो क्या करती है? क्या उसे भी मार के खाती है? नहीं ना, वह बिल्ली बड़ी स्पीड के साथ अपने बच्चे के पास दौड़ कर जाती है, अपने बच्चे को मुंह में लेती है पर खाती नहीं है, और उसको मुंह में लेके एक सेफ जगह पर पहुंचा देती जहां पर उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। अब एक बात सोचो, दोनों ही कंडीशन में बिल्ली एक है, बिल्ली का स्वभाव वही है, बिल्ली के दांत भी वही है, कुछ बदला नहीं ना। लेकिन वो बिल्ली जब चूहे को देखती तो मार के खा जाती है, और वो बिल्ली जब अपने बच्चे को देखती है तो उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें एक बात हम बताएं, देखो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, जो व्यक्ति भगवान की कथा कहता है, उसके साथ तो वही होता है जो बिल्ली अपने बच्चे के साथ करती है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता नहीं है, हरि का सत्संग नहीं सुनता है, उसके साथ क्या होता है? जो बिल्ली चूहे के साथ करती है। अब चूहे के साथ कितना बुरा होता है। हाँ, अब हमें चूहा बनना है, हमें क्या बनना है? हमें बिल्ली का बच्चा बनना है, हमें हरि भक्त बनना है, हमें प्रभु भक्त बनना है, कि जिससे कभी कोई हमारा स्पर्श भी ना कर पाए। जब तक आप हरि का भजन नहीं करेंगे, देखो आप दुनिया के कितने भी ऊंचे सिंहासन पर जाकर क्यों ना बैठ जाना, लेकिन आपकी बिगड़ी को भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं बना सकता है।
बिगड़ी केवल आपकी भगवान बनाकर कोई नहीं बनाता। अब हम लोग भगवान को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, पर कब करते हैं? दुख में, किसमें? दुख में, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में कर रही न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। फ्लाइट में बैठ के यात्रा कर रहे हैं और फ्लाइट में ना कुछ खराबी हो गई, एयर होस्टेस आके बताती है कि जिस फ्लाइट में बैठ के आप यात्रा कर रहे हैं वो थोड़ी ही देर में नीचे गिरने वाली है और हम सबका कल्याण होने वाला है। सही बताऊं मैं, उस समय जो हनुमान चालीसा निकलता है ना, वास्तव में हृदय से निकलता है। उस समय जो बजरंग बली की याद आती ना, वास्तव में हृदय से आती है। अरे बजरंग बली, तू ही हमारी फ्लाइट बन के आ जा, तू ही हमारी आके रक्षा कर ले। तो जो याद संकट के समय आती है ना, वही याद सुख के समय आने लग जाए तो फिर जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। और एक बात दूसरी बताएं, मैया कुंती ने तो यहां तक बोला कि अगर दुनिया में कोई चीज सबसे प्यारी है ना, तो वो केवल दुख ही है और कुछ नहीं है। क्यों? मैया कुंती कहती थी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरी ही से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैया कुंती ने कहा था, मैं ऐसा सुख भार में चला जाए, ऐसा सुख मुझसे कोसों दूर चला जाए, जिस सुख को पाने के बाद मैं गोविंद को ही भूल जाऊं। अरे वारी जाऊं मैं ऐसे दुख पे, जिसको पाने के बाद प्रतिपल मैं गोविंद का चिंतन करूं, गोविंद के नजदीक रहूं। पर हम लोग दुख में बहुत घबरा जाते हैं ना, थोड़ी सी थोड़ा सा संकट आता है तो हमारे चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। पता है आपके जीवन में कभी दुख आए ना, कभी संकट आए, तो आप ना एक बार भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की तरफ अवश्य देखना, फिर आप सोचेंगे कि आपके जीवन के संकट तो कुछ नहीं है, भगवान के जीवन में कितने संकट आए पर भगवान कभी मुस्कुराना बंद नहीं किए। भगवान मुस्कुराहट के प्रतीक हैं, भगवान से सीखो। इतने संकट किसी देवता के जीवन में नहीं है जितने मेरे भगवान के जीवन में। अब भगवान ने जन्म कहां लिया? जहां पर चोर लुटेरे को बंद किया जाता है, जेल में। जेल में तो भगवान प्रकट हुए। जन्म लेने की देर नहीं हुई कि मेरे भगवान को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा, मैया यशोदा के पास चले गए। मैया यशोदा के यहाँ पर जाकर थोड़े दिन शांति से गुजर रहे थे कि 7 दिन के हुए थे कि पूतना नाम की राक्षसी भगवान को मारने के लिए आ गई। भगवान ने उनको भी तार दिया, पर भगवान फिर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान जैसे जैसे बड़े होते गए, कंस ने अनेक राक्षस भेजे भगवान को मारने के लिए, पर भगवान कभी उदास नहीं हुए। कहीं नहीं लिखा कि भगवान कभी उदास हुए, भगवान कभी परेशान हुए, नहीं हुए। थोड़े से बड़े हुए तो भगवान को देखो वृंदावन को छोड़ना पड़ा, राधा रानी को छोड़ना पड़ा, गोपियों को छोड़ना पड़ा, नंद बाबा को छोड़ना पड़ा, मथुरा। अब मथुरा में आके थोड़ा शांति से बैठे थे कि जरासंध ने ही आक्रमण कर दिया, भगवान द्वारका में चले गए। अब द्वारका में 2 दिन चैन से बैठे थे कि पांडव लोग आ गए, प्रभु हमें जरा कौरवों से युद्ध लड़ना है, आकर हमारी रक्षा करो, आकर आप हमारे पक्ष में आ जाइए। पांडवों के साथ रहे। अब पांडवों को युद्ध जिताकर वापस लौटे थे कि समझ लो कि यदुवंशियों को श्राप मिल गया, भगवान के जाने का समय आ गया, भगवान अपने धाम को चले गए। यानी कि भगवान के जन्म से लेकर और भगवान के गोलोक धाम
गमन तक जो भी चीजें हैं आप भगवान के जीवन काल को देखिए तो पता चलेगा कि भगवान ने एक सेकंड के लिए भी कहीं विश्राम नहीं किया। भगवान कुछ न कुछ करते गए करते गए करते गए, पर भगवान ने कभी मुस्कुराना बंद नहीं किया। भगवान हंसते रहे हंसते रहे। इसलिए जीवन में जब संकट आए, पहले तो मैं प्रार्थना करूं भगवान से कभी आपके जीवन में संकट ही ना आए। लेकिन देखो, ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा नमकीन भी खानी चाहिए। अब ज्यादा ज्यादा सुख आता रहेगा तो फिर कहीं अभिमान आ गया तो। व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, एक बढ़िया सा घर बन जाए, दो तीन नौकर हो, दो तीन सिक्योरिटी गार्ड हो जो हाथ में बंदूक लेके चल रहे हो सुरक्षा करने के लिए, फिर देखो व्यक्ति का अभिमान। इसीलिए आप कैसी भी स्थिति में रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, आप भगवान के नाम को ना भूलें। अगर भगवान से भी बड़ी कोई चीज है इस दुनिया में तो वो केवल भगवान का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक कथा आती है, एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। आपने कथा सुनी होगी भागवत में कभी। अजामिल जी बड़े विद्वान थे, बहुत कर्मकांडी थे, बड़ी सुंदर पत्नी थी, एक बेटा था। पर एक बार क्या हुआ कि उनका मन बिगड़ गया। मन जब बिगड़ा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वैश्या के साथ अपना विवाह कर लिया गंधर्व विधि से। अब जब वैश्या के साथ विवाह किया तो वैश्या को लेके घर में आ गए और अपनी जो सुंदर पत्नी थी उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे। अब वैश्या के साथ रहेंगे तो बुद्धि कहीं ना कहीं खराब होगी, क्योंकि संग का असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखो, आप किस कंपनी में रहते, आप किसके संग में रहते, उसका असर आपके जीवन पे पड़ता है। अगर आपका मित्र शराब पीता है और आप उसी के साथ रहते हैं तो वो एक न एक दिन आपको टेस्ट करने के बहाने एक दिन शराबी बना ही देगा। अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, थोड़ा सा पी के तो देख, अरे ज्यादा मत, थोड़ा टेस्ट कर ले, बस एक बार टेस्ट किया नहीं कि बस कल्याण हो गया। फिर तो संग का असर हमारे जीवन में पड़ता है बहुत ज्यादा। अब अजामिल ने जब वैश्या से विवाह किया तो उनकी बुद्धि खराब होने लगी। कहां रोज मंत्र जाप करते थे, माला जपते थे, और वैश्या के कहने से पंडित जी ने माला झोली छोड़ दी, भजन करना बंद कर दिया और डकैती डालना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू, लूटपाट करना शुरू कर दिया। जब पंडित जी अपने मुंह पे काली पट्टी बांधकर रात में निकलते थे तो लोग डर के मारे अपने घर बंद कर लिया करते थे। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार कुछ संत अजामिल के गांव से होके निकल रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, अयोध्या से पग यात्रा कर रहे थे। अजामिल का गांव बीच में पड़ गया तो संतों ने कहा रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं, हम थोड़ा थक भी गए, किसी भक्त के यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। अब पूछते पूछते सभी संत अजामिल के द्वार पे आ गए। अजामिल घर पे नहीं था, चोरी करने गया था, उसकी पत्नी थी। संत जैसे ही गए तो उसकी पत्नी बाहर निकल कर आई, बोली बाबा जी प्रणाम, क्या चाहिए? संत ने कहा बेटा आज रात्रि का भोजन हम तुम्हारे यहाँ पर करेंगे, आप हमें अपने घर रख लो। तो वो जो उसकी पत्नी थी चरणों में गिर गई, बोली बाबा ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं आपसे अपने घर का पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कभी संत से झूठ नहीं कहना। देखो दो लोगों से कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक होते संत, संत और गुरु, कभी झूठ मत बोलो, और दूसरे होते डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाकर भी कभी झूठ मत बोलो। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो गणिका ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे घर पर भोजन नहीं कर सकते। संत बोले क्यों?
तो गणिका बोली कि मेरे पति तो मदरा पीते हैं, मेरे पति मांस भक्षण भी करते हैं, वह चोरी करते हैं, आप मेरे घर का जल नहीं पी सकते। संतों ने कहा बेटा परेशान मत होना, हम कहीं और चले जाएंगे। तो गणिका बोली बाबा आप मेरे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद तो नहीं खा सकते, पर मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी, अपने हाथ से बनाकर खा लेना। संत मान गए। सामने एक वृक्ष था, वहां नीचे बैठ गए, प्रसाद बनाया, राम जी के भोग लगाया। और भोग लगाकर जैसे ही संत जी अब अपने मुंह में टुकड़ा रखने लगे तो नेत्रों में अश्रु आ गए और मन में भाव आया कि हमने इस अजामिल का अन्न खाया है, अब हमें इसे सुधारना भी पड़ेगा। पर सुधारे कैसे? अगर हम इससे कहें कि बेटा आप भजन करो तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, हम इससे कहें तो माला जप करो ये बिल्कुल नहीं करेगा, तो करें क्या? प्रातः काल होते ही सब संत अजामिल के पास गए। अजामिल से कहा बेटा अजामिल तुम्हें पता है जब हम किसी संत को किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद उसे दक्षिणा देते हैं, क्या तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? बोले क्यों? क्योंकि हमने रात का भोजन तुम्हारे घर किया है इसलिए हमें दक्षिणा दो। तो अजामिल बोला दक्षिणा वो भी हमसे, मैंने आपके मजीरा को आपकी ढोलक को आपके तबला को आपसे नहीं छीना है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। और ज्यादा बात करोगे तो अपनी ढोलक मजीरा इन सब को भी मेरे घर में रख के चले जाओ। बड़े आए हमसे दक्षिणा लेने वाले। संतों ने कहा बेटा हमें रुपए पैसे तो आपसे चाहिए नहीं। अजामिल बोला अच्छा पैसे नहीं चाहिए तो बताइए फिर क्या चाहिए। तो संतों ने कहा बेटा तुम्हारे घर 6 बालक है, 7वां आने वाला है, बस इस बालक का नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संत जानते थे कि ये भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन कम से कम अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम तो लेगा ही लेगा। क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। देखो डॉक्टर की दवा को तुम मुंह बना के खाओ, नाक बंद करके खाओ या खुशी खुशी खा लो, डॉक्टर की दवा तो असर करेगी करेगी। वैसे भगवान के नाम को मन से गाओ, बिना मन के गाओ, भाव से गाओ, बिना भाव के गाओ, वो अपना असर करेगा। अब अजामिल दिन भर घर में एक ही नाम लेता है, नारायण नारायण नारायण। वो छोटे वाला बच्चा पिताजी को बड़ा प्यारा होता है, न जाने दिन में 25-30 बार नारायण 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 गा लेता है अजामिल, जो एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं करता था। आज ऐसा दुष्ट अजामिल नारायण 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 गा रहा है। मृत्यु का समय आया, यमराज जी ने अपने दूतों से कहा जाओ अजामिल को पकड़ के लेके आओ। अजामिल चारपाई पे लेटा हुआ है, यमदूत आए गले में रस्सी बांध दी। अब यमदूत दिखने में थोड़ा सा डरावने होते हैं, डर लगता है देख के। अब अजामिल ने जब यमदूतों के विकराल शरीर को देखा तो डर गया। अब डर गया तो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगा, चारों तरफ देखने लगा कोई आए मुझे बचाए। तो उसने देखा कि दूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण हयम, कि थोड़ी सी दूरी पर उसका बेटा नारायण खेल रहा है, नारायण को बुलाता वो मुझे आके बचाएगा। अब जैसे नारायण को देखा तो पड़ा पड़ा अजामिल चिल्लाने लगा अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, ये लोग मुझे पकड़ कर कहीं लेके जा रहे, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना लेकिन पिताजी नारायण ने सुन लिया और पिताजी ने कहा कि मेरा कौन सा भक्त मुझे इस समय बुला रहा है, जाओ जाके मेरे बालक की रक्षा करो। और पिताजी ने अपने पार्षद आज अजामिल को बचाने के लिए भेज दिए। भगवान के पार्षदों ने आकर अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया तो यमदूत कहते सरकार इसको मत बचाइए, बहुत बड़ा दुष्ट है, बहुत बड़ा पापी है, हम इसे नरक लेके जाएंगे। तो पार्षदों ने कहा सुनो ये पापी नहीं, ये भगवान का भक्त है। यमदूत बोले प्रभु ये भक्त कैसे हुआ? पार्षदों ने कहा अरे इसने नारायण भगवान का नाम अपने मुख से गाया है।
तो यमदूत बोले, नहीं, इसने भगवान का नाम नहीं गाया, इसने तो अपने पुत्र का नाम गाया है। तो पार्षद कहते हैं, देखो इस नाम को चाहे पुत्र के नाम के रूप में गाओ, चाहे पुत्री के नाम के रूप में गाओ, चाहे पुत्र के सिर पे हाथ रख कर गाओ, चाहे नाती के सिर पे हाथ रख के गाओ, लेकिन अगर आप इस नाम का उच्चारण करोगे तो नाम आपका कल्याण करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो आपके दादा पर बाबा होंगे उन सबके नाम पता कैसे होंगे, किसी का नाम रामचंद्र होगा, किसी का नाम कृष्णचंद्र होगा, किसी का नाम मधुसूदन होगा, किसी का नाम राधा होगा, किसी का नाम सीता होगा, है ना। सब जानते थे कि अंतिम समय पे ना भगवान की याद थोड़ा कम आती है, अक्सर किसकी याद आती है, घर वालों की याद आती है। तो दादी बाबा बड़े चालाक हुआ करते थे, वो सोचते थे कि इसी बहाने हम भगवान का नाम ले लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। पर आज जमाना बदल गया, सब 21वीं सदी में आ गए और सब कृष्ण चंद्र और गोपाल चंद्र से नाम बड़े परिवर्तित हो, किसी का नाम चिंटू हो गया, किसी का नाम रिंकू हो गया, किसी का नाम टूटी हो गया, किसी का नाम फ्रूटी हो गया, किसी का नाम स्वीटी हो गया, सब परिवर्तित हो गया, सब बदल गया। अब अंतिम समय दादाजी को नाम याद आता है स्वीटी, अब दादाजी ने स्वीटी कहा, स्वीटी कहते ही बस कल्याण हो गया। अब स्वीटी कल्याण करेगी दादाजी ने, नहीं करेगी ना। इसीलिए कहते हैं भैया अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते, नाम का असर हमारे जीवन में पड़ता है। एक व्यक्ति का एक बेटा था जो बड़ा नास्तिक था, भगवान का भजन नहीं करता था, बिल्कुल भजन नहीं करता था, बिल्कुल भजन नहीं करता था, भगवान की सेवा नहीं करता था, व्यक्ति बहुत परेशान थे। वो एक संत के पास लेकर गए, बोले महाराज मेरे बेटे को सुधार दो, भगवान का भजन करने लग जाए। संत ने कहा बेटा बोलो राधे राधे। बेटा बोला मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत ने कहा बेटा बोलो राधे राधे। बेटा बोला मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत ने कहा बेटा बोलो राधे राधे। बेटे ने कहा मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत ने कहा बेटा सुनो, जब आपका समय इस दुनिया में पूरा हो जाए, जब आप भगवान के पास जाए, तो यमराज आपसे पूछेंगे कि आपने कभी भगवान का नाम लिया, तो आप कह देना कि आपने 3 बार राधे राधे गाया था। बोला ठीक है, कह देंगे। वो बालक बड़ा हुआ, जीवन यापन किया, वृद्ध हुआ, मर गया, यमराज के पास गया, यमराज के सामने खड़ा हुआ है। यमराज ने कहा तुमने कभी कुछ अच्छा काम किया है? बोले पता नहीं। तुमने कभी भगवान के नाम को गाया है? बोले हाँ, मैंने एक संत के कहने से एक बार राधे राधे बोला था। यमराज बोले अच्छा, तुमने राधे राधे बोला था? बोले हाँ बिल्कुल बोला था। यमराज मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक बार राधे राधे नाम लेने की महिमा क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, उसके बाद जो मेरा करना है वो करना। यमराज बोले महिमा तो मुझे पता है, लेकिन सबसे विचित्र बात तो ये है कि ज्यादा महिमा के बारे में नहीं जानता, थोड़ी बहुत जानता हूँ। एक काम करता हूँ, इससे कहता हूँ कि ये इंद्र के पास चला जाए। तो यमराज ने उस लड़के से कहा देखो इंद्र महाराज राधे नाम की महिमा के बारे में जानते हैं, चलो चलते हैं। लड़का बड़ा चालाक था, बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे हम, हमारे जाने की व्यवस्था करो। तो यमराज ने कहा जाओ एक पालकी लेके आओ। अब पालकी ढोने वाले होते ना, 4 कहार जो होते हैं, 4 व्यक्ति लगा दे ढोने वाले। तो लड़के ने कहा सुनो सुनो, इसमें से 1 कहार को निकालो और यमराज आप उसके स्थान ग्रहण कर लो। तो यमराज ने कहा ठीक है। यमराज ने पालकी को अपने कंधे पर रख लिया, उस बालक को अपनी पालकी में बैठाए, चले जा रहे इंद्र के पास। इंद्र के पास गए, यमराज ने कहा महाराज इस बालक का एक प्रश्न है कि राधे नाम की महिमा क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। एक बार राधे नाम लेने की महिमा क्या हो सकती है प्रभु, इसके बारे में हमें बताइए। इंद्र ने कहा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, पर ज्यादा हमें भी नहीं पता, एक काम करते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, चलो इनके पास चलते हैं। तो बालक बड़ा चालाक,
बालक ने कहा सुनो एक काम करो, एक कहार को हटाओ और उसकी जगह इंद्र जी को लगा दो। इंद्र जी ने कहा ठीक है हम भी चलते हैं। पालकी के एक सिरे को इंद्र जी ढोके चल रहे, एक को यमराज लेके चल रहे, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहा प्रभु एक बार राधे नाम लेने की महिमा क्या है इसके बारे में हमें बताओ। ब्रह्मा जी बोले महिमा के बारे में तो हमने बहुत सुना है लेकिन ज्यादा तो नहीं जानते इसके बारे में। भगवान शंकर अद्वितीय हैं, उन्हें सब पता है, उनके पास चलते हैं, चलो हम भी साथ चलते हैं। तो बालक ने कहा एक काम कीजिए, एक कहार को इस पालकी में से हटा दीजिए और उसकी जगह ब्रह्मा जी को रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है हम भी चलते। और विचार करो उस पालकी को ब्रह्मा जी भी अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। पालकी के एक सिरे को इंद्र, एक सिरे को ब्रह्मा जी और एक सिरे को यमराज लेके चल रहे हैं, भगवान शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर से जाकर प्रश्न किया प्रभु एक बार राधे नाम लेने की महिमा क्या है। भगवान के नेत्र में अश्रू आ गए। भगवान ने कहा इसकी महिमा बड़ी बड़ी विशाल है, बड़ी अनंत है, मैं अपने मुख से क्या कहूँ, ये तो भगवान विष्णु ही अपने मुख से बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी चलता हूँ। तो बालक ने कहा एक काम करो चौथे वाले कार को भी हटाओ और बाबा जी आप इसमें लग जाओ। विचार करो उस पालकी को भगवान शंकर अपने कंधे पर लेके चल रहे, पितामह ब्रह्मा जो जगत के मालिक है वो लेके चल रहे हैं, यमराज लेके चल रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्र लेके चल रहे हैं और आज चले जा रहे विष्णु लोक में। विष्णु लोक में देखा भगवान ने कहा ये क्या बात है, ऐसा कौन सा व्यक्ति इस पालकी के अंदर बैठा हुआ है कि जिसकी पालकी को देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी और जगत के मालिक आदि शंकर और यमराज जैसे व्यक्ति अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। भगवान ने कही कैसे आना हुआ, उस बालक ने कहा प्रभु एक बार राधे नाम लेने की महिमा क्या है ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, अरे बालक ये एक बार राधे नाम लेने की ही तो महिमा है कि तेरी पालकी को ब्रह्मा जी लेके चल रहे हैं, तेरी पालकी को भगवान शंकर लेके चल रहे हैं, तेरी पालकी को यमराज लेके चल रहे हैं, तेरी पालकी को इंद्र लेके चल रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति रा कहता है, राधा में दो शब्द होते रा और धा, जो व्यक्ति रा कहता है तो भगवान कहते हैं कि मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, जो काम कर रहा होता हूँ वो सारे काम छोड़ देता हूँ। और जैसे ही व्यक्ति धा कहता है मैं उस व्यक्ति को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। और पुत्र तूने तीन तीन बार राधे राधे कहा है, अब तू इस पालकी से उठकर मेरी गोद में आके बैठ जा क्योंकि तू इसका अधिकारी है, क्योंकि तूने श्री राधा नाम को गाया है। कितनी भारी और विशाल महिमा है श्री राधा नाम की। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। तो नाम का असर, प्रभु के नाम का असर बहुत है। भगवान से भी बड़ा कोई चीज इस दुनिया में है तो केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं है। एक बार सभी बड़े भाव से कहेंगे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कहते भी है ये था नाम तो था गुण, व्यक्ति के अंदर जो गुण होते वो कहीं ना कहीं उसके नाम से भी आते हैं। इसलिए आप अपने परिवार में जितने भी बच्चे उनका नाम अच्छे रखें। एक
से मिला है, इस शरीर को पाकर जितना आप हरि का भजन करेंगे, जितना आप हरि की सेवा करेंगे, उतना ही, देखो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी हमें यही शरीर मिले। प्रभु ने एक बार कृपा करके तो शरीर दे दिया, अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों ना इसी बार इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति की जाए, प्रभु की भक्ति की जाए। लेकिन पता है लोगों के पास भजन करने के लिए इतना समय नहीं होता जितना दुनिया के काम करने के लिए समय होता है। लोगों के पास भोजन करने के लिए समय होता है, श्रृंगार करने के लिए समय होता है, शॉपिंग करने के लिए समय होता है, नौकरी करने के लिए भी समय होता है, लेकिन भगवान के भजन करने के लिए कभी कभी समय नहीं होता। एक बात कहूं, देखो भगवान का भजन करने के लिए कोई समय है ही नहीं, बल्कि आप 24 घंटों में से किसी भी घंटे, आप किसी भी पल आप भगवान का भजन कर सकते हैं। चलते फिरते गोपियां, पता है गोपियां कैसे भगवान का भजन करती थी? एक बार एक गोपी मथुरा गई माखन बेचने के लिए, सर पे उसके माखन की मटकी है और माखन की मटकी को अपने सर पे रखे जोर जोर से आवाज लगा रही है, अरे भैया कोई माखन ले लो बड़ो मीठो है, अरे बहना कोई माखन ले लो बड़ो मीठो है। कोई भी सामान बेचते तो आवाज लगाते, गोपी भी लगा रही है, अरे भैया कोई माखन ले लो, अरे बहना कोई माखन ले लो बड़ो ताजी है, बड़ो सुगंधित है, बड़ी खुशबू आ रही, बड़ो मीठो है, बड़ो अच्छो है। अब इतने में ही गोपी को भगवान की याद आ गई। अब गोपी सिर पे माखन की मटकी रख के मथुरा की गलियों में आवाज लगा रही है, अरे भैया कोई माखन ले लो बड़ो मीठो है, अरे भैया कोई जे कृष्ण भी ले लो जीव बड़ो मीठो है, कोई जे गोविंद खरीद लो बड़ो मीठो है, बड़ो सुंदर है। बाद में उसको ध्यान आता है कि मैं माखन बेच रही हूँ कि गोविंद को बेच रही हूँ। जिस दिन हमारी स्थिति बन जाएगी, जिस दिन हमारी भी हालत हो जाएगी, उस दिन भगवान हमारे समक्ष खड़े हो जाएंगे। दुनिया में हर एक चीज को पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भगवान को पाना बड़ा सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि भगवान सब जगह रहते हैं। अभी आपको कपड़े खरीदने हो तो आपको मॉल जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट का समय लगेगा जाने आने में, क्योंकि कपड़े इस जगह नहीं मिलते। लेकिन देखो भगवान सब जगह मिलते हैं, भगवान यहाँ भी मिलते हैं, भगवान कपड़े वाले की दुकान पे भी है, भगवान आपके घर में भी है, भगवान मंदिर में भी है, और भगवान आपके भीतर भी है। तो भगवान को ढूंढने का आप प्रयास करें, उनको खोजने का प्रयास करें, उनको महसूस करें, उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। एक बड़ी ही सुंदर कथा इस विषय में आती है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, तो इस कथा को हम आज न सुन के कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने 2 दिन की कथा को बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण किया, सभी को व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन सत्संग को हम यहीं पर प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग आरती करें और आरती करने के बाद सभी अपने घर
बोल बंके बिहारी लाल की जय। एक बार फिर सभी भक्तों का श्री राम मंदिर में स्वागत है। बड़े ही सुंदर ढंग से देवी निधि जी हरि नाम की महिमा बता रहे थे, तो इसका बस अगर एक लाइन में उसका सारांश निकालने तो यही है कि हरि से बड़ा हरि का नाम। और जब ये नाम देवी नेहा देवी निधि जैसे भक्तों के मुख से आता है तो इसकी महिमा और भी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सभी भक्तों का जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी भक्तों ने जिन्होंने अपनी अपनी धनराशि मंदिर को भेजी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल को 2 से 4 तक ऐसे ही ये प्रोग्राम फिर भारत से लाइव आएगा, तो आप 2 से 4 कल भी प्रोग्राम देखें। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये जो कोरोना वायरस का संकट है समाप्त होगा, तो हम देवी जी को भारत से नहीं अपने मंदिर के प्रांगण से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।